हेलो फ्रेंड्स, प्रिय विलन एनसीईआरटी क्लास 1 यूनिट 10 पार्ट 2 द टेलर एंड हिज फ्रेंड दर्जी और उसका दोस्त। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। पढ़ो और इस कहानी का आनंद लो। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। कालू दर्जी की नदी के पास एक दुकान थी। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। वो बच्चों के लिए रंगीन पैंट्स और कमीज बनाता था। अप्पू द एलिफेंट वाज हिज फ्रेंड। अप्पू हाथी उसका दोस्त था। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू उसके दुकान में हर दिन आता था। कालू गेव हिम मेनी नाइस थिंग्स टू ईट। कालू उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता था खाने के लिए। वन डे कालू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक। एक दिन कालू ने एक चाल चलना चाहा। ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट। उसने अप्पू को कुछ भी चीज खाने के लिए नहीं दिया। ही टूक आउट हिज नीडल इंस्टेड। इसके अलावा उसने अपनी सुई निकाली एंड पिक्ड अप्पू ट्रंक और अप्पू की सुई में चुबा दी। अप्पू रन अवे इन पेन। अप्पू दर्द से चला गया। 2 days लेटर 2 दिन बाद अप्पू केम डाउन टू द रिवर। अप्पू नदी के पास आया एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर और अपनी सूंड को पानी से भर लिया। ही रीच्ड कालूज शॉप और कालू के दुकान में पहुंचा एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर और पानी को हर जगह फेंका। ऑल द न्यू क्लॉथ्स बिकेम वेट। सारे नए कपड़े गीले हो गए। अप्पू शूक हिज ट्रंक एंड सेड। अप्पू ने अपनी सूंड को हिलाया और बोला एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। एक हाथी कभी नहीं भूलता है। कालू सेड। कालू बोला आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अप्पू लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। हम लोग फिर से दोस्त बने। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स। कालू और अप्पू अच्छे दोस्त बन गए।